दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं हाजिर हूँ अनूप शुक्ला आपके अपने चैनल यूट्यूब पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल स्पेशल क्लासेस मैथ एंड फिजिक्स पर। दोस्तों आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स बताने जा रहे हैं। पहली एक्सरसाइज है पर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। इसमें दोस्तों हम बताने जा रहे हैं अगर कोई नंबर पॉइंट में दिया हो तो उसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में कैसे करेंगे। देखिए ये दो टाइप के क्वेश्चन हैं। नंबर वन, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है उसको हम एक्स मान ले रहे हैं, दिया हुआ है 3.75। क्वेश्चन कह रहा है 3.75 को पी अपॉन क्यू के रूप में चेंज करो। 3.75 को किस में करना है? पी अपॉन क्यू के रूप में करना है। तो इसके लिए पहले हमने इसको x मान लिया, और अगर इस तरह का कोई भी नंबर आए जिसमें एक निश्चित संख्या हो कि बस इतने नंबर तक निकालने हैं, तो ऐसी संख्या के लिए उसके अपॉन में 1 मान लीजिए, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने नीचे 0 रख लीजिए, ऊपर का पॉइंट हटा दीजिए। तो x इज कल टू 375, पॉइंट के बाद दो नंबर थे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 100 हो गया। इसको 5 से काट दीजिए, 5 2 जा 10, 0 ऐसे आ गया, 5 7 जा 35, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25, फिर ये 5 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। तो ये आ गया x इज कल टू 15/4। ये 15/4 क्या हुआ? जो हमें नंबर दिया था 3.75, इसका p अपॉन q रूप हुआ। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरीके से हमें कोई नंबर दिया हुआ है जो एक निश्चित मान है तो उसे पी अपॉन क्यू के रूप में कैसे चेंज करेंगे। वो तरीका ये है, अपॉन में 1 लिखेंगे, ऊपर पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं पॉइंट हटाएंगे, नीचे उतने 0 बढ़ा देंगे, और उसके बाद इसको हम सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। दोस्तों दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमें अगर कोई ऐसे नंबर दिया है इसमें लिखा हुआ है 2.23 पे बार लगा हुआ है को पी अपॉन क्यू के रूप में बदलो। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2.23 के ऊपर बार। तो इस तरह के संख्याओं को हम कैसे हल करेंगे? हम मान ले रहे हैं इस संख्या का मान x है 2.23 के ऊपर बार। देखिए बार का मतलब है वो संख्या बार बार आएगी, राइट। तो ये बार हम हटाते हैं, 2.2333, इस तरह संख्या बार बार आती जाएगी, ये x का मान हो गया। देखिए दोस्तों हम ऐसा करते हैं कि दशमलव के बाद के नंबर सेम हो जाए। इसमें देखिए ये 2 है अभी दशमलव के बाद, तो पहले इसको अगर हम 10 से इंटू कर लें तो पॉइंट 3 के पहले आ जाएगा, यानी पॉइंट के बाद 3 आ जाएगा। देखिए 10 से इंटू करते हैं, सबसे पहले 10 से गुणा करने पर, अब 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10x, इधर 10 से इंटू करेंगे तो पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा 3 3 3, इससे आता जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद 3 आ गया है, तो अब इसमें हम फिर कितने से गुणा कर दें कि पॉइंट के बाद 3 रहे, तो 10 से फिर कर देते हैं हम इसमें। तो 10 से अगर हम इसमें कर दें तो 10 का इधर हो जाएगा, ये 100x आएगा, 10 के इधर आ जाएगा 223.33, इस तरह का नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 मानेंगे, 2 से 1 को माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1, 2 है 100x और 100x की वैल्यू है 223.33, और 1 में क्या है 10x इज कल टू 22.33। अब अगर इसको माइनस करें तो पॉइंट के बाद वाले सब 0 हो जाएंगे, 3 से 2 गया 1, 2 से 2 गया 0, 2 ऐसे आ जाएगा। इधर 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90x इज कल टू, ये तो x इज कल टू 201/90। तो ये आपका p अपॉन q के रूप का हो गया। तो दोस्तों p अपॉन q में चेंज करने के लिए सिर्फ दो तरीके की संख्याएं होती हैं, एक वो जिन पे बार ना लगा हो उनको हम ऐसे करेंगे, और एक वो जिन पे बार लगा हो। जिनमें बार लगा होगा तो उसमें हमारा मेन काम क्या होगा,
कि हम ऐसे नंबर से इंटू करें कि दशमलव के बाद के नंबर सेम आ जाए। तो देखिए पहले टू था, अगर हम पॉइंट हटाएंगे थ्री थ्री आया, ये लिख लिया, इसमें पॉइंट के बाद टू है, अगर हम टेन से भी इंटू करेंगे तो पॉइंट के बाद थ्री आ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले पॉइंट हम टेन से इंटू करेंगे तो टेन एक्स पॉइंट यहाँ आ गया। अब पॉइंट के बाद थ्री आया तो ऐसे नंबर से इंटू करेंगे कि पॉइंट के बाद थ्री आ जाए। तो हम देख रहे हैं अगर टेन से कर दें थ्री रहेगा, तो हमने टेन से इंटू किया, इसमें हंड्रेड आया, इसमें टेन से किया पॉइंट यहाँ चला जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर टू से वन को माइनस करेंगे, तो ये आपके सामने दिया हुआ है। तो ओके दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, इसे कोई संख्या दी है तो उसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। देखिए जैसे कोई हमें संख्या दी हुई है, वो संख्या है 5.37 के बाद। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, हमें एक संख्या दी हुई है, हम मान ले रहे हैं हमें एक संख्या दी हुई है, संख्या 5.37 पे बार को संख्या रेखा पर दिखाओ, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो यानी दिखाओ, ये हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। देखिए 5.37 इसको हम लिख सकते हैं 5.377 इस तरह आता जाएगा। तो इस तरह की संख्याओं को दिखाने के लिए वो ध्यान से समझिए। अब देखिए पॉइंट के पहले कितना लिखा हुआ है 5, और तो हम 5 से शुरू करेंगे, ये 5 से ज़्यादा है और 6 से कम है। तो देखिए एक तरफ हम लिख देंगे 5 और एक तरफ लिख देंगे 6। अब हम इसमें बीच में शुरू करेंगे, 5 और 6 के बीच में 10 नंबर होंगे, राइट। तो 10 लाइनें हम खींच लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, राइट। ये 5 था, ये 5.1 हो जाएगा, ये 5.2, एक ऊपर और एक नीचे लिख दे रहा है, ये 5.2, ये 5.3, ये 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और 6। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, जो भी संख्या होती है इसमें देखते हैं कहाँ से शुरू है, 5 से शुरू है। तो पॉइंट के पहले जो नंबर लिखा 5, तो 5 से शुरू है, 6 से कम है, एक तरफ 5 लिखा एक तरफ 6 लिखा। तो जो भी नंबर आएंगे इनके बीच में 10 नंबर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे 6 आ जाएगा। ओके अब हम देखते हैं, 5 तो मेरा मैच कर गया था, 5.3 ये नंबर आया, राइट। 5.3 से ज़्यादा है, 5.4 से कम है, यानी इसके बीच में कहीं होगा, ध्यान दीजिए 5.3 से ज़्यादा है लेकिन यहाँ 4 नहीं है, यानी 4 से कम है। तो 5.3 और 5.4 दो आ गए। अब इन दोनों को हम बनाएंगे, तो इधर हम क्या लिखेंगे 5.3, राइट, और इधर हम क्या लिखेंगे 5.4। अब देखिए 5.3 और 5.4 इन दोनों के बीच में क्या होगा, फिर 10 नंबर होंगे, 5.3 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, राइट, 9 और 10 पे 4 आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बात ध्यान समझिए, 5.3 है यहाँ पर, यहाँ पर कितना आएगा 3, 1 इस पे, 3, 2 इस पे, 3, 3 इस पे, 3, 4 इस पे, 0.35 इस पे, 0.36 इस पे, 0.37, 0.38, 0.39 और आगे करेंगे तो 5.4 आ जाएगा। अब मिलाइए, हमारा नंबर था 5.3 हो गया, फिर 7, अब 7 है 37 पे जाइए, ये लिखा हुआ है, यानी ये 5.37, राइट, 5.37 से ज़्यादा है और 8 से कम है। अब हम ये दोनों नंबर लेंगे, इन दोनों नंबरों के बीच में कहीं पे आएगा, तो एक तरफ हम लिखेंगे 0.37 एक तरफ लिखेंगे, और एक तरफ लिखेंगे हम 5.38 से ज़्यादा है और 5.38 से कम है।
अब देखिए 5.37 और 5.38 के बीच में हम क्या करेंगे, 10 नंबर फिर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके, और ये लास्ट पॉइंट हो गया। अब हम इसमें उसी तरीके से नंबर लिखेंगे, 37 तक हो चुका है, 0.37 1 0.37 2 0.37 3 0.37 4 0.37 5 0.37 6 0.37 7 0.37 8 0.37 9 और उसके बाद 0.37 8 हो जाएगा, ओके। अब देखिए 5.37 1 आ गया, अगला 7 का मतलब ये नंबर है, इन दोनों के बीच में होगा 7 है तो लमसम में बाद में आएगा, तो वो नंबर क्या होगा, इन दोनों नंबर में यहाँ बाद में होगा, इसको दिखा देना आपको, वो जो भी नंबर होगा इसके बीच का होगा, ये नंबर क्या होगा 5.3777 यानी 37 पे बार, तो इस संख्या को हम ये लिख सकते हैं, ओके दोस्तों, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों किसी भी नंबर को संख्या रेखा पे दिखाना है तो हमने आपको तरीका बताया, 5.37 पे बार आ रहा था तो 5.3 एक तरफ लेंगे, एक तरफ 5 लेंगे और एक तरफ 6 लेंगे, उसके बीच में 10 नंबर आएंगे, 10 नंबर में 5.3 और 5.3 से ज़्यादा है, 4 से कम है, 5.3 और 5.4 लेंगे, 5.3 इधर आया, 4 इधर आया, इसके बीच में फिर 10 बनाएंगे, 5.31, 3, 2, 3 एंड सो ऑन, और इसमें लेना क्या है 5.37 से ज़्यादा है और 8 से कम है, इसके बीच का है 0.375 यहाँ पे आएगा, 5.38 इधर लेंगे, इसके बीच में फिर 10 नंबर आएंगे, 1, 2, 3 डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या होगा 3.77 से ज़्यादा होगा और 7, 8 से कम होगा, तो इसके बीच में कहीं नंबर आएगा 5.3 बार। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ आपको समझ में आई होगी, राइट। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं घातांक, घातांक यानी एक जैसे अगर पद दिए हैं तो उनको हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो आगे देखिए, अगर रूट में कोई संख्या लिखी हुई है और उसकी हमें वैल्यू निकालनी है तो उसको हम कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे हमें कोई संख्या दी हुई है, रूट के अंदर दिया हुआ है 7, रूट 7 की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट 7 के फैक्टर करेंगे और रूट 7 का फैक्टर हम यानी कि 7 का फैक्टर करेंगे, 7 का फैक्टर क्या होगा, 7 को हम लिख सकते हैं 3.5 × 2, एक तो ये है, दूसरा हम लिख सकते हैं 7 × 1, राइट। तो दोनों में से कोई भी आप फैक्टर बनाइए, फैक्टर बनाने पे जो नंबर आएंगे नंबर 1 को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, जैसे 3.5 + 2 इसको ऐड करेंगे तो कितना आया 5.5, तो जो 5.5 आएगा सबसे पहले हम 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, 5.5 सेंटीमीटर लाइन खींचने के बाद इस पूरी लाइन का लंबार्धक निकालेंगे, लंबार्धक क्या है मिडिल पॉइंट, इस तरफ हम प्रकाल की नोक रखेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे एक नीचे, फिर घुमा के इधर रखेंगे एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, फिर इनको डॉट लाइन से मिला देंगे, जहाँ पे पॉइंट काटेगा ये इसका मिडिल पॉइंट होगा, फिर मिडिल पॉइंट पर हम कंपास रखेंगे और एक तरफ की डिस्टेंस लेके हम इसमें क्या करेंगे हाफ सर्किल बना देंगे, बात समझ में आ रही होगी। हाफ सर्किल बनाने के बाद क्या करेंगे, जो हमने दो अलग अलग फैक्टर किए थे उसमें पहला फैक्टर था 3.5, तो हम यहाँ से नाप के 3.5 पर निशान लगा लेंगे, राइट। जो पहला फैक्टर होगा जो निशान लगाएंगे उसमें 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम लाइन खींचेंगे, 90 के एंगल हम कैसे बनाएं, तो इसके लिए यहाँ पर एक जो है कंपास रखिएगा और कंपास रखने के बाद इस पर एक ऐसे सर्कल जैसा बना दीजिएगा
फिर उसको थोड़ा सा बड़ा करिएगा, कितना भी बड़ा करिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद यहाँ प्रकार की नोक रखिएगा, कंपास की नोक एक इधर से लगाइएगा और एक यहाँ रख के लगाइएगा, जहाँ दोनों काटेंगे उस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाती हुई लाइन खींच दीजिएगा। ये लाइन इस सर्कल को जहाँ टच करेगी वहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है उसको आप स्केल पे नाप लीजिए, और जो भी आएगा वो किसका मान होगा, रूट सेवन का मान होगा। दोस्तों तो किसी भी नंबर का रूट में वैल्यू निकालने का ये सबसे आसान तरीका है, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब हम आपको आगे बताते हैं कि अगर रूट में टर्म दिए हो तो उनको ऐड कैसे करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं, उनका मल्टीप्लाई कैसे होता है, उसका रूल क्या है। देखिए इसके लिए याद रखिएगा, इस रूट वाले वही टर्म ऐड होते हैं, जुड़ते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, माइनस होते हैं, जिनमें रूट का पद इक्वल हो, समान हो। अगर रूट का पद इक्वल है तो जो पद रूट के इक्वल होंगे वही ऐड होंगे, जुड़ेंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी घटेंगे। देखिए इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन वो कह रहा है ऐड करिए, किसको ऐड करना है, टू रूट टू प्लस फाइव रूट थ्री एंड रूट टू माइनस थ्री रूट थ्री। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसको ऐड करिए। ये ऐड करने का अभी हमने आपको तरीका बताया था कि वही रूट के टर्म ऐड होंगे जो इक्वल होंगे। देखिए दिया है टू रूट टू प्लस फाइव रूट थ्री प्लस इसको करिए रूट टू माइनस थ्री रूट थ्री। अब देखिए रूट टू का एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, ये आ गया टू रूट टू प्लस रूट टू, इन दोनों को हमने एक साथ कर लिया, दोनों रूट थ्री के प्लस इनको एक साथ कर लीजिए, फाइव रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री। अब इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है, रूट टू कॉमन है, इसमें टू बच गया प्लस इसमें पूरा कॉमन हुआ तो वन आ गया, प्लस इन दोनों में रूट थ्री कॉमन है, रूट थ्री कॉमन होगा ये फाइव आ गया, माइनस रूट थ्री कॉमन हुआ थ्री आ गया। अब इसमें आगे हल करेंगे, ये आ गया रूट टू इंटू टू और वन मिलाकर थ्री आ गया, प्लस फाइव में थ्री गया टू बचेगा, ये आ गया टू रूट थ्री, तो ये आ गया थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री। ओके दोस्तों, अब ये ना जुड़ सकता है ना इसमें कुछ हो सकता है, यही इसका आंसर हो गया। तो ये इस रूट वाले टर्मों को जोड़ने का और घटाने का ये तरीका है। रूट वाले पद फिर से सुन लीजिए, रूट वाले पद वही आपस में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी जुड़ेंगे या घटेंगे, जिनमें रूट का टर्म सेम हो, इक्वल हो। अभी हमने आपको बताया ये रूट और ये रूट इक्वल है, एक साथ हमने लिखा है, ये रूट और ये रूट इक्वल है, इन दोनों को अपने साथ इसमें लिखा है, उसके बाद इसको हमने हल किया है। तो ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखिए आप इसी रूट का, कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए तो बहुत ही आसान है, कोई भी रूट में टर्म दिया हो, जो भी रूट के अंदर वाले टर्म होंगे, पद होंगे, उनको हम आपस में इंटू कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीप्लाई सिक्स रूट फाइव बाई टू रूट फाइव, क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीप्लाई सिक्स रूट फाइव बाई टू रूट फाइव, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना है सिक्स रूट फाइव इंटू टू रूट फाइव। देखिए रूट के बाहर जो नंबर है उसका उसमें इंटू होगा, तो सिक्स का टू में इंटू होगा ट्वेल्व आएगा, और इसमें देखिए रूट फाइव दो बार है, कोई भी रूट का टर्म अगर दो बार होगा तो उसकी रूट हट जाएगी, वो एक बार आएगा, और ट्वेल्व फाइव का कितना हो गया सिक्सटी, तो ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि रूट के पदों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और उसका इंटू कैसे करते हैं। ओके दोस्तों, दोस्तों अब अगले टाइप के क्वेश्चन देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण। देखिए दोस्तों अगर किसी संख्या में डिनोमिनेटर यानी कि हर में कोई पद रूट में दिया हो, जैसे हमने एक संख्या लिखा है
1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, इसको हम रेशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर का हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि जो इसके हर में लिखा हुआ है इसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 प्लस रूट 3 है तो 2 माइनस रूट 3 से ऊपर इंटू कर दो, 2 माइनस रूट 3 से नीचे इंटू कर दो। देखिए ऊपर 1 है तो 1 का इसमें इंटू होगा, यही आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। नीचे देखो जो प्लस में है वही माइनस में, इसमें फार्मूला लगेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। आगे हल करेंगे 2 माइनस रूट 3 ऊपर ऐसे रहेगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आएगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, 4 में 3 आएगा 1 आएगा, तो ये आ गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 इसकल टू 2 माइनस रूट 3, यही इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, रेशनलाइज अगर हमें करना है डिनोमिनेटर का तो जो हर में लिखा होता है डिनोमिनेटर में लिखा होता है इसके कंजुगेट से हम ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। तो ओके, ये समझ में आ गया। अब आगे आपको हम बताते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन जिनमें टर्म सेम हो और उनकी पावर डिफरेंट हो, यानी कि ये एक्सरसाइज हमारी इसी में लास्ट एक्सरसाइज है 1.6 और इसे कहते हैं घातांक। इसके कुछ रूल हैं, ज़रा रूल समझ लीजिए। देखिए ये लास्ट एक्सरसाइज है संख्या पद्धति की, यानी कि नंबर सिस्टम की। नोट नंबर 1, अगर हमें टर्म दिए हैं इनटू में पावर अलग अलग हैं, देखिए टर्म सेम है ए इनटू ए पावर अलग अलग हैं, तो टर्म को एक बार लिखते हैं पावर ऐड हो जाती है साइन के साथ एम प्लस एन। नोट नंबर 2, अगर टर्म सेम है, देखिए ए अपॉन में है और ऊपर और नीचे की पावर अलग अलग है, तो उसको हम एक बार लिखते हैं ऊपर वाले की पावर माइनस नीचे वाले की पावर। नोट नंबर 3, अगर कोई टर्म है इसकी पावर लगी है और उसकी कोई पूरे की पावर लगी है तो उसको एक बार लिखते हैं पावर का पावर में इंटू होता है एन इंटू एन। तो दोस्तों ये 3 फार्मूले हैं घातांक के, इन पर रिलेटेड सवाल 1.6 साइज में आपके दिए हुए हैं। इनमें से हम आपको एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे दिया हुआ है 9 की पावर 3/2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 की पावर 3/2 इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी का मान क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 9 की पावर 3/2 है, इसमें 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2, पावर का पावर में इंटू होगा, 3 की पावर 2 था 3/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 आया तो कितना आ जाएगा 27। ओके दोस्तों, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 27। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको थोड़ा हम रफ कर दे रहे हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब इसमें अगर हमारे पास टर्म दिए हुए हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 7/3, ये कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करिए सरल करिए। तो हम क्या करेंगे, 2 को एक बार लिखेंगे, इन पावरों को हम ऐड कर लेंगे चूँकि इंटू में है टर्म, तो 2/3 + 7/3, तो 2 की पावर LCM 3 आया, 2 + 7 तो 2 की पावर 9/3, 3 × 9 2 की पावर 3 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 8 आ गई। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज भी आपको समझ में आई होगी। तो हर एक्सरसाइज में हमने हर तरीके के क्वेश्चन बताए, ये आपका नंबर सिस्टम एक्सरसाइज है क्लास 9th की। तो दोस्तों इनको आप लगाइएगा, इसकी जो अगली एक्सरसाइज है वो हम आपको कल बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये मैथ समझ में आ रही है, अब आपको लग रहा है कि आपको मैथ आने लगी है, तो आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको इतने तेज़ी से दबाएं कि वो रेड से ब्लैक हो जाए, और जो लाइक वाला बटन है जिसमें ऐसे निशान बना हुआ है उसको इतने तेज़ी से टच करें कि वो ब्लैक से ब्लू हो जाए, और दोस्तों जो बेल आइकन है उसे आप दबा लीजिए। अगर आप इतना कर लेंगे
तो जैसे हम वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंच जाएगी और आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको मैथ आने लगेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, ओके नमस्कार।